शटर काटकर चोरों ने स्वर्ण व्यवसायी की दुकान से सोना चांदी नकदी सहित 10 लाख की सामग्री को चुराया। 6 से 8 चोरों ने दिया घटना को अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। चकाई मोड़ के समीप स्थित स्वर्ण व्यवसायी की दुकान का शटर काटकर चोरों ने दुकान में रखे सोना चांदी, 8,000 रुपए की नकदी सहित 10 लाख रुपए का सामान चुरा लिया। घटना की जानकारी शुक्रवार की सुबह व्यवसायी को स्थानीय लोगों के द्वारा दी गई। बताया जाता है कि चकाई निवासी सुनील स्वर्णकार चकाई मोड़ पर सोने चांदी की दुकान चलाता है, जो गुरुवार की रात अपनी दुकान को बंद कर चला गया, जिसे शुक्रवार की सुबह स्थानीय लोगों के द्वारा उसकी दुकान का शटर तोड़कर चोरी की घटना की जानकारी दी गई। इसके बाद जब पीड़ित व्यवसायी मौके पर पहुंचे और जांच की तो उसकी दुकान से 8,000 रुपए नकद, 3 किलो चांदी की पायल, 1.5 किलो चांदी की चेन, 1 किलो बच्चे की पायल, कुल 8 किलो चांदी का सामान और सोने के गहने सहित 10 लाख रुपए का सामान चुरा लिया गया। बताया जाता है कि चोरों ने पहले दुकान की दीवार में सेंधमारी करने की कोशिश की, कामयाब न होने पर चोरों ने आगे से शटर तोड़ दिया और प्रवेश कर सोने चांदी सहित अन्य सामग्री लेकर फरार हो गए। भागने के समय चोरों के थैले से कुछ गहने सड़क पर पड़े मिले, जिसे पुलिस के द्वारा जब्त कर मामले की जांच की जा रही है। बताया जाता है कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाली, जिसमें 10 चोर चोरी करते देखे गए, जिसे पुलिस अपने स्तर से चोर की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी करने में जुट गई। वहीं इस घटना के बाद चकाई के व्यवसायियों में दहशत व्याप्त है। चकाई से विकास लहेरी की रिपोर्ट। उधर सब रखा है उधर बाहर। हाँ, फोन कर लिए सर। मेरे दुकान का शटर काट कर पायल, टिकड़ी, सोना चांदी, जितना भी जेवर, अंदर ग्राहक का सामान, गंदगी सामान, जितना भी था सब 10 लाख के रेंज आसपास चोरी कर लिया गया। शटर तोड़ के आगे से शटर तोड़ के चोरी कर लिया गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर